गाइस एंड वेलकम टू क्लच अप। आप देख रहे हैं डेली व्लॉग और आज हो रही है बारिश और काफ़ी पानी उड़ाते हुए मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स कोरेगांव। मीटिंग है आज मेरी। इस वीडियो का टाइटल जैसे कि आप देख सकते हैं है रॉयल एनफील्ड क्लासिक, व्हाई शुड यू बाय इट। तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक की क्या बात करें अभी, मतलब अगर आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक के फ़ैन हो तो आपको दूसरी कोई बाइक पसंद ही नहीं आ सकती। ऐसा क्या खास है इस बाइक में? टू स्टार्ट विथ, ये बाइक काफ़ी सालों से सेम रही है, मतलब जो इंजन था इस पर सिर्फ BS6, BS4, BS5 वैसे अपडेट्स आते गए हैं उसको। जो डिज़ाइन है वो किसी बच्चे को बोल दो ना बाइक ड्रॉ करे, काफ़ी डिफ़िकल्ट है वैसे, बट एक बच्चा बाइक अगर क्या ड्रॉ करेगा तो वो बाइक है, मतलब एक बाइक जो लोगों के दिमाग में आती रहती है, ये वही बाइक है। इस वीडियो में होंगे तीन पार्ट्स, पहला होगा प्रोस, देन होगा कॉन्स एंड देन कंक्लूजन। तो इस वीडियो में और दूसरी बात करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे रॉयल एनफील्ड क्लासिक ये बाइक आज तक इतनी पसंद नहीं आई है, तो मेरे व्यूज़ शायद थोड़े बायस हो सकते हैं, बट अगर मैं इस बाइक की बात करूँ तो इस बाइक के सेल्स नंबर्स जो है वो कुछ भी करो चेंज नहीं हो रहे, काफ़ी सालों से सेम रहे हैं, मीटियोर इंट्रोड्यूस करने पर भी सेम रहे हैं। तो इस बाइक पे एक ऐसा हो गया कि एक ब्रांड इमेज बन गई है, तो इस ब्रांड इमेज के पीछे के रहस्य को जानते हैं आज। तो प्रोस की बात करें तो इस बाइक में आता है आपको एक 350cc का इंजन। अब जो नया वाला इंजन है वो तो अच्छा है, पुराना वाला इंजन ट्रैक्टर का इंजन था, वो भाई कितना भी कोई भी गियर में खींच लो वो सेम ही चलता था, बट ये काफ़ी लोगों के लिए प्रो था। मतलब अगर आप किसी को रॉयल एनफील्ड क्लासिक सिखा रहे हो या फिर वो बंदा पहली बार कोई बाइक चला रहा है, तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक एक ऐसी बाइक थी जो आपको हर गियर में सेम देगी। अब अगर आप MT को थर्ड फोर्थ गियर में पिकअप करना चाहोगे नहीं जाती है, वो बाइक का इंजन में इतना टॉर्क था कि वो थर्ड फोर्थ गियर तुम गियर कोई भी डाल दो वो गाड़ी चलते ही जाती थी। तो अभी कॉन्स की बात करें तो इस बाइक में काफ़ी सारे कॉन्स हैं। पहले तो स्पोक व्हील्स मिलते हैं, अब डिज़ाइन वाइज वो अच्छी बात है, बट स्पोक व्हील्स होने के बाद आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं तो पंक्चर लग गया तो आप वहीं के वहीं फंस जाओगे। दूसरी बात आती है कि एक तो वो जो फ्लैट सीट है उसकी वजह से हैंडलिंग बेकार है उस गाड़ी की, बेकार यानी तुम कॉर्नर्स वगैरह तो लेना नहीं चाहते हो उस गाड़ी में, प्लस टायर प्रोफाइल्स वैसी है आगे 110 है पीछे 130 है, टायर प्रोफाइल्स आर नॉट फॉर कॉर्नरिंग। ओवरऑल स्टैंड है वो एक रिलैक्स राइडिंग पोस्चर है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू टेक इट आउट एंड रश थ्रू इट, वैसा कुछ नहीं है। अरे यार मेरी गाड़ी बहुत तकलीफ दे रही है आज मेरी गाड़ी ने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, ज़रा बारिश गिर जाती है ये गाड़ी का ना बैटरी का इश्यू चालू हो जाता है। एनीवे नेवर माइंड, ये तो क्या होते ही रहता है। हाँ तो हम कॉन्स पे थे, ऑल्सो प्रो, मतलब अभी देखो इस बाइक को क्यों ख़रीदना चाहिए, अगर आप ऐसे एक इंसान हो जिसको सिर्फ बाइक चलानी है और आपको उस बाइक को अगले 10-15-20 साल रखना है तो ले लो यार रॉयल एनफील्ड, आँखें बंद करके ले लो वो गाड़ी, माइलेज वाइलेज का सोचो मत उसका, वो आदत हो जाती है आपको। पर अगर आप एंथुजियास्ट हो, आपको गाड़ी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके भगाने को पसंद है तो मत लो वो गाड़ी। गाड़ी कितनी भी इंजन अभी उसका पावरफुल हो गया, चैसी बदल दी, नहीं जाती यार वो तुम्हें वो वाला किक इन द पैंट्स वाला फ़न नहीं आता। और ये था मेरा एक शॉर्ट सा वीडियो, आधा वीडियो तो हम ट्रैफिक सिग्नल पे रुके और फिर आधे में तो बेइज्जती हो रही थी मेरी गाड़ी की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब टू क्लच अप। हेलो,